What does the graph say? Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। आज निफ्टी इंडेक्स जब ओपन हुआ तो एक जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ है। जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था, ब्रेकडाउन लेवल, ब्रेकआउट लेवल, जो टारगेट्स थे, उसके भी नीचे यहाँ पर ओपन हुआ है निफ्टी इंडेक्स। तो जो ब्रेकडाउन लेवल था उसके भी काफ़ी नीचे ओपन हुआ और एक साइडवेज टू अपवर्ड पैटर्न में यह दिन भर ट्रेड होते रहा। तो यहाँ पर कल के प्लान के अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेड नहीं बनता। जैसे छुट्टियाँ बीच में आई थी सैटरडे संडे की, तो वहाँ पर और भी कई राज्यों में लॉकडाउन हो सकता है, इसकी खबरें आ रही थी। दिल्ली में भी आज लॉकडाउन हो चुका है, यूपी में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट वहाँ पर रूल्स लगा दिए गए, पंजाब में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, तो इसका साफ तौर पर असर यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अगर डेली चार्ट को हम देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास इसने ये जो 100 EMA का ग्रे लाइन है यहाँ पर सपोर्ट लेके इसने हैमर जैसा कैंडलस्टिक बनाया। तो जब भी डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा कैंडल आता है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले। तो अभी इसके लिए कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा। अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल आता है फिर से एक बार और इसका हाई कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो हो सकता है यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक होके ये 20 AMA तक निफ्टी इंडेक्स हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के प्लान के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बनता। अभी कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का 60 मिनट का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स अगर आज का ये जो लोएस्ट क्लोजिंग पॉइंट है आर्ली चार्ट में, यानी 14,245, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 3 दिन पहले यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था, तो फिर से यहाँ पर हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले। तो अगर ये सपोर्ट लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करता है 14,245 को, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,224। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,200। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ चला जाता है तो ये दिन का जो हाई बन रहा है आज का, यानी अराउंड 14,382, ये ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 14,404। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,425। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम आप देख सकते हैं, जहाँ से 3 दिनों पहले बाउंस बैक हुआ था उसी लेवल के आसपास से ये बाउंस बैक हुआ है। तो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने दीजिए, यानी 30,600 को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 30,518। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 30,418। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो 20 EMA हो सकता है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करे, तो इस पिंक लाइन के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, यानी 31,398 को राउंड फिगर कर देते अराउंड 31,410 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 31,486। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 31,561। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंट्राडे लेवल्स, यानी 20 अप्रैल के लिए क्या हो सकते हैं इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।